वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए और हमारे प्रदेश में जो यूनिवर्सिटीज के जो विद्यार्थी हैं उनकी शेष रही परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में, क्योंकि वर्तमान में जो परिस्थितियां है उसमें कोरोना का प्रसार बढ़ रहा है और परीक्षाओं के आयोजन के लिए विद्यार्थियों के आवागमन के जो संसाधन है वो पूरी तरह से यहाँ उपलब्ध नहीं होने और उसके साथ साथ विद्यार्थियों के जो रहने की व्यवस्था है, हमारे छात्रावास आदि की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की और हमारी जो एडवाइजरी है, हेल्थ एडवाइजरी, उसके अनुसार खोलने की स्थिति नहीं होने की वजह से, और उसके साथ साथ राजस्थान के हमारे जो विद्यार्थी है पिछले लंबे समय से, पिछले कई दिनों से यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स को पोस्टपोन करने की मांग कर रहे हैं, और इन तमाम परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए आज राजस्थान के हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी के निवास स्थान पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक विशेष मीटिंग बुलाई गई और इसमें तमाम जो हमारे वर्तमान परिप्रेक्ष्य की परिस्थितियां हैं उसको मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रखा गया और राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने राजस्थान के विद्यार्थियों की मांग और कोरोना की वर्तमान परिस्थितियां और परीक्षाओं के आयोजन वर्तमान में जुलाई में आयोजन से संबंधित आ रही दिक्कतों को पूरी तरह से सुना और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे विद्यार्थियों की मांगों के अनुरूप और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए राजस्थान के हमारे तमाम विश्वविद्यालयों की जो परीक्षाएं जुलाई में आयोजित की जानी थी उन परीक्षाओं के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये निर्णय किया है उनके नेतृत्व में कि तमाम हमारी जो यूजी और पीजी की परीक्षाएं हैं वो आयोजित नहीं की जाएगी और हमारे विद्यार्थियों को कोरोना की इन परिस्थितियों में प्रमोट करने का, आगामी कक्षाओं में प्रमोट करने का निर्णय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार लिया गया है। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्तमान हमारे लिए सर्वोपरि है और विद्यार्थियों का स्वास्थ्य का की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से ये निर्णय लिया है। अब तमाम हमारे राजस्थान के विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी, चाहे यूजी के विद्यार्थी हैं चाहे वो, आगामी कक्षाओं में प्रमोट किया जाएगा और उसके साथ साथ परीक्षा परिणाम व अंकों का निर्धारण करने के लिए मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश दिए हैं कि MHRD और UGC की जो भी आने वाले दिनों में जो गाइडलाइन आएगी उस गाइडलाइन के आने के बाद में तमाम विश्वविद्यालयों को एडवाइजरी जारी की जाएगी और UGC की गाइडलाइन के अनुसार अंकों का निर्धारण और जो परिणाम है उसका पूरी एक विस्तृत कार्य योजना बना करके विद्यार्थियों के और छात्रों के हितों में निर्णय किया जाएगा। मैं सभी विद्यार्थियों से यही कहना चाहूंगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय जो आम जन के प्रति संवेदनशील है और उन्होंने आज एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है राजस्थान के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और तमाम परीक्षाएं नहीं करवा करके विद्यार्थियों को प्रमोट करने का निर्णय लिया है और मैं समझता हूं कि ये निर्णय राजस्थान के छात्रों के लिए, छात्रों की जो लंबे समय से मांग चल रही थी उसको ध्यान में रखते हुए लिया गया है। धन्यवाद।